दोस्तों कौन कहता है कि म्यूजियम का सफर बोर होता है। पूरी दुनिया में बहुत सारे म्यूजियम मौजूद है जो हमारे तस्वर से कहीं ज्यादा पेश करते हैं। इससे कतई नजर के वो कितने भी अजीबोगरीब दिखाई दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 5 अजीबोगरीब म्यूजियम के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, म्यूजियम ऑफ अंडरविंग ब्यूटी। दोस्तों मलेशिया में वाकई म्यूजियम ऑफ अंडरविंग यकीनी तौर पर देखने के लिए जबरदस्त हिम्मत का मुतालबा करता है। इसमें यह दिखाया गया है कि मुख्तलिफ सकाफतों में खूबसूरती की किस तरह तारीफ की जाती है और जिस्मानी तौर पर खूबसूरत बनने के लिए लोगों की लगन और इंतहाई रसूमात की सतह को किस तरह से गुजरना पड़ता है, चाहे ये गर्दन को खींचना, होंठों को डस्ट करना या पैरों का पाबंद होना। जब आप इस तरह के म्यूजियम में जाती है तो इसे सकाफती झटके डालने के लिए तैयार रहना चाहिए। नंबर 4, कैंकन अंडर वाटर म्यूजियम। दोस्तों पानी के नीचे म्यूजियम का तजुर्बा हासिल करना चाहते हो तो फिर आपको कैंकन अंडर वाटर म्यूजियम में जरूर जाना चाहिए। ये मेक्सिको के कैनकोन में वाकया है। इसने अपने जखीरा में 3 मुख्तलिफ गैलरियों में मजमू तौर पर 500 मुजस्मे और 6 मीटर पानी के दरमियान डूबे हुए है। म्यूजियम में मुजस्मे pH गैर जानबदार समंदरी कंकरेंट के साथ बनाए गए है। ये वाकई आपकी जिंदगी का एक तजुर्बा हो सकता है। नंबर 3, आइसलैंडिक पैलोजिकल म्यूजियम। दोस्तों ये म्यूजियम 1997 में कायम किया गया था और आइसलैंड के रेगजाक लागियो गोर 116 में वाकया है। आइसलैंड फैलोलॉजिकल म्यूजियम यकीनी तौर पर सियारे का सबसे अजीब म्यूजियम है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अजू तनासल और कलमी हिस्सों की नुमाइश करता है। इसके जखीरे में जानवरों की 93 प्रजातियों के 280 नमूने में वहील से लिया गया 55 कलम मोरस से 36 और जमीनी सतंदर से 118 शामिल है। इसने इसकी टोपी में एक और खूबसूरत खसूसियात शामिल की। जब जुलाई 2011 में इसने इसके जखीरा में पहला इंसानी अजू तनासल शामिल किया जिसमें वादा किया गया था कि इसमें एक अतिया दहिंदगान होगा। ये सालाना 11,000 जायरीन को अपने ऊपर रागब करता है। नंबर 2, म्यूजियम ऑफ मैथमेटिक्स। उस रियाजी के सभी जनूनियों का इलाज वहाँ मौजूद है। रियाजी का म्यूजियम 2009 में काम किया गया था और ये अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में वाक़ है। इस म्यूजियम को दुनिया के दूसरे म्यूजियम से मुमताज़ करने वाली बात यह है कि ये जायरीन के साथ बामी राब्तों की सहूलत फराहम करता है। म्यूजियम का मकसद रियाजी के बारे में अवामी फहम और अदराक को बढ़ाना है। इसके कुछ पुरकशिश मकामात में रियाजी मिडवे, रियाजी मिडवे टू गो, मैथ मुकाबले और फैमिली जुमला शामिल है। नंबर 1, सुलाब इंटरनेशनल टॉयलेट म्यूजियम। तो नई दिल्ली हिंदुस्तान में वाकया स्लैब बैनुल अक्वामी टॉयलेट म्यूजियम खौफनाक लगता है। इसकी तख्लीक के पीछे एक मजबूत मकसद है। इसका मकसद सेहत के मजमूई हालत को बेहतर बनाने के जरिए तीसरी दुनिया के मुमालिक में सफाई सुथराई में बेहतरी लाना है। इसको हिंदुस्तान में मकीम एक समाजी खिदमत करने वाला तंजीम स्लैब इंटरनेशनल ने तश्किल दिया है जो तलीम के जरिए इंसानी हकूक, माहौलियाती हिफजान, सेहत, तवानाई के गैर रवायती जरा, फजला के इंतजाम और समाजी असलाहत को फरोग देने के लिए काम करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो को पसंद होगा। अगर मेरी वीडियो को पसंद हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और ऐसे वीडियोज रोज देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। साथ ही बेल आइकन को दोबारा ना भूलना क्योंकि ऐसे वीडियोज मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।